प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ह्यूमन टच जो आज हर किसी के जीवन को स्पर्श कर रहा है। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। गोवा की खूबसूरत धरती पर वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की सफलता के लिए मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। यानी जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदली हुई सरकारी सोच और अप्रोच का भी प्रमाण है।